opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. इस ओडीआई श्रृंखला में अब आखिरी गेम, इस दौरे का आखिरी गेम जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड। थर्ड ओडीआई 1-1 से सीरीज लेवल्ड है, इंग्लैंड और भारत खेलेंगे वो तीसरा ओडीआई 1-1 से बराबरी पर, और यहाँ मामला दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में भी रन्स बनते हैं लेकिन उस पिच, वो पिच कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। और अब दोनों ही टीमें, मतलब पहला गेम जिस तरीके से इंग्लैंड हारी उनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में डेंट होगा, कहीं ना कहीं सवाल होंगे। भारत 100 रन से दूसरा गेम हार गई है तो उनके जहन में भी सवाल जरूर होंगे, दोनों टीमें के दिमाग पर जरूर सवाल होंगे कि अगला मैच किस थॉट के साथ जाएं। पर इंग्लैंड ने शायद मिले तो थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट कर लिया कि बैटिंग हमें लंबी करनी है, अगर विकेट गिर भी गया तो पार्टनरशिप बिल्डअप करना है। इंडिया को शायद वो टेम्पलेट फॉलो करना पड़ेगा। रही बात ग्राउंड की, ग्राउंड तो अच्छा है, रन बनते हैं लेकिन कई बार इंग्लैंड को अगर कंडीशंस ओवरकास्ट हो गए तो थोड़ा बॉल में ज़्यादा हरकत देखने को मिलती है। क्योंकि आप सिर्फ एवरेज स्कोर से लेके आप उस इंग्लैंड के ग्राउंड को आंक नहीं सकते, उस वक्त वेदर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार आपने 300 हमेशा दिमाग पर रखते हैं क्योंकि आज के टाइम पर हर बार 300 दिमाग रखना ठीक नहीं है। दोनों टीमें इस बात को ध्यान रखेंगी अगले मैच में। बिल्कुल, अगर इंडिया के स्क्वाड पर नजर डालें प्रज्ञान, तो क्योंकि बहुत ही छोटा सैम्पल साइज इस ओडीआई सीरीज में, बहुत छोटा रहा है। एक बदलाव जरूर हुआ था दूसरे ओडीआई में जब श्रेयस अय्यर बाहर गए और विराट कोहली आ गए, लेकिन अगर उस स्क्वाड पर नजर डालें तो क्या गेंदबाजी में कुछ बदलाव करने देखेंगे? प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा आपके पास बाहर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर बतौर गेंदबाज बैठे हुए हैं, क्या वो बदलाव देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, देखिए एक सीरीज में अभी आप जीते नहीं है, अगर जीत जाते तो अलग बात होती। अगर आज जीतती भारतीय टीम तो लास्ट मैच में आप देख सकते थे कि अर्शदीप कैसे बॉलिंग कर रहे हैं या मोहम्मद सिराज क्या कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को आप खिला सकते थे या शार्दुल भी देख सकते हैं, इनमें से किसी को आप पिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बॉलिंग यूनिट अच्छी कर रही है और आपकी सीरीज अभी डेड नहीं हुई है, अभी नेक्स्ट मैच इंपॉर्टेंट है, एज अ फाइनल आप खेलेंगे, तो बॉलिंग यूनिट क्यों चेंज करें जब वो अच्छी बॉलिंग कर रही है, जेल हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होने चाहिए। आरपी, दूसरे ओडीआई में ऋषभ पंत को 4 नंबर पर भेज दिया भारत ने। सूर्य कुमार यादव की बात हो रही थी, हम ही बात कर रहे थे कि भाई सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पर अब सॉलिड हैं। क्या आप देखना चाहेंगे ऋषभ पंत को उस 4 नंबर पर, या आप कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव की पोजीशन से छेड़छाड़ मत कीजिए, हमारी हिस्ट्री है 4 नंबर से, प्लीज उनको खेलने दीजिए? मैं तो इसमें पक्ष में नहीं हूँ, सूर्य कुमार यादव को ही 4 में खेलना चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें, विराट कोहली ने अपने नंबर बहुत शफल किए थे, जिस 3 नंबर बल्लेबाजी करते जहाँ उनका पूरा विश्व ने लोहा माना, कुछ दिन ओपन किए, किस दिन किसी और को खिलाया, केएल राहुल कई बार उस स्थान में बल्लेबाजी करने आए। तो अगर कोई सेट बैट्समैन है और आपकी टीम का एक धुरी है जो आपकी टीम का उस टाइम का अच्छा परफॉर्मर है, तो उसके नंबर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बल्लेबाज अच्छा है तो चाहे ओपन कराओ या तीन, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं मानता हूँ फर्क पड़ता है। ओके, क्योंकि चाहे वो नंबर उसके लकी हो, जो भी हो, पर वो नंबर या उसके आसपास जिस तरह से गेंदबाजी होती है, गेंद थोड़ा पुराना होता है, वो नंबर किसी बल्लेबाज को पर्टिकुलर सूट करता है और वहाँ उसके परफॉर्मेंस अगर हो रहे हैं तो छेड़खानी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या इंग्लैंड को कुछ छेड़खानी करनी चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेटेजिक एडवाइस होगी उनके लिए? पहला ओडीआई 10 विकेट से हारे, दूसरा ओडीआई 100 रन से जीते, और जो बॉक्सेस टिक करने की बात होती है, काफी सारे बॉक्सेस टिक करे, क्या स्ट्रेटेजिक एडवाइस होगी आपकी? स्ट्रेटेजिक एडवाइस होगी कि बैट्समैन थोड़ा सा और समय बिताए, वो एक चीज है। क्योंकि जो बॉलिंग में, जो जैसे आपकी हमारी डिस्कशन हुई थी लेंथ बेटर करने की, उन्होंने कर दी, दिखा दी कि हम ये एरियाज में डालेंगे और उन्हें सक्सेस भी मिल गया तुरंत ही वो लेंथ चेंज करने के बाद, तो उधर तो उन्होंने बॉक्स टिक कर दिया। अभी अगर बैटिंग की बात करें तो जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो थोड़ा सा और समय बिताएंगे, क्योंकि आप जब लंदन में खेल रहे हैं तो नॉर्मली लंदन में गर्मी ज़्यादा होती है। जब आप ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा क्लाइमेट और थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो ये शायद मैनचेस्टर में है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर जब है तो वहाँ पे ग्राउंड भी थोड़ा सा ओपन है, अगर ओवरकास्ट हुआ तो हवा भी चलेगी वहाँ पे, तो बॉल का मूवमेंट भी हो सकता है। वनडे मैच है, मुझे लगता है विकेट बेहतर होगा, लेकिन एक जो कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे बॉल थोड़ा सा हिल सकता है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा अगर वैसा हुआ तो। नहीं तो अगर नॉर्मल विकेट रहा तो हमें पता है क्या हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों टीमों के जो बल्लेबाज है ओपनिंग जो टॉप ऑर्डर, वो थोड़ा सा समय बिताए टॉप ऑर्डर, स्पेशली इंग्लैंड में, क्योंकि जॉस बटलर नाम के खिलाड़ी हैं उनके पास और उनके बल्ले से रन्स आ नहीं रहे हैं, अब यहाँ आना बहुत ज़रूरी है वो रन्स उनके लिए। क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ शफल करने को देखेंगे, अपने आप को थोड़ा नीचे लाने को देखेंगे? मुझे नहीं लगता था ना कि कुछ ज़्यादा बदलाव करेंगे वो, अब क्योंकि पहले मैच में जैसे खेला वैसे दूसरे मैच में उसी बैटिंग ऑर्डर से उसी टीम के साथ उतरे, तो उनका रणनीति तो एकदम स्पष्ट है कि हमारी ये बेस्ट प्लेइंग 11 और ये इनका बैटिंग ऑर्डर है, या ऐसी गेंदबाजी करेंगे।
उसको ही फॉलो करें। इंग्लैंड मानी भी जाती है कि जब एक बार कोई निर्णय लेते हैं कि हमें किस अप्रोच के साथ मैच को खेलना है वनडे फॉर्मेट को, तो थोड़ा लंबे समय तक उस अप्रोच के साथ बने रहते हैं। बिल्कुल, वो अप्रोच वो चाहेंगे कि भाई वो अप्रोच पे ऑफ करे, और वो 2014 में जो आखिरी घर पर सीरीज आ रहे थे इंडिया से ही आ रहे थे, वो वैसा ना करें और यहाँ पर वो सीरीज सील करें। इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है, 2014 से अभी तक इंग्लैंड में जीती नहीं है ओडीआई सीरीज उन्होंने, तो यहाँ पर मौका है। अब इस फाइनल ओडीआई में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंडिया से कौन होंगे आपके? विराट का नाम लेके तो कई बार ले चुका हूं मैं, लगता है मैं तो शिखर धवन का एक बड़ा रन ड्यू है मेरे लिए, प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि उनका जो रोल है आज उन्होंने एक निभाया था जी, लेकिन और थोड़ा सा वो निखर के आएंगे तो मजा आएगा। एक बॉलर ऐसे है कि फ्यूचर के लिए आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सारे कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा करेंगे तो मजा आएगा।